वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसे मैं घर पे आई हूँ। मैंने आपको बताया एक दो पार्सल लेने थे वो, और इसे मैम को देखो। गाइज आप लोग बोलते रहे थे बार बार बालों में हाथ क्यों मारते हो यार, आदत से मजबूर हूँ। इसे नींद आ रही पर सो ना रहा। बेटे इधर देखे ना, देख कैमरा ना कैमरा। बेटू इधर फोन, मुझे मत देखना उसे, फिर वो इधर देखेगी ना। ना अंशु देख रहे हैं तो जैसे देख रही आई चिवड़ा देखी बाबू, ये देख और बुबू बोल कैमरा देख के तो खुशी हो जाती है। लो ये नोना बाबू दिख रहा है इसमें, नोना बाबू है क्या ये मेरा। आई मैं को पार्सल लेने थे और सोच रही दिवाली की शॉपिंग करूं, पर अभी पैसे ही नहीं है। एक दो दिन महंगे फिर करूंगी, पैसे नहीं है। हाँ अब अनोना हमसे बहुत लाड दिखाएगी जब एक दो दिन में आते हैं, तो ये बहुत लाड दिखाती है। वहाँ पे स्टार लाइट जल रही है, उसे देख रही है। हाँ बुगू ओ मेरे लड़के, ऐसे लगती है बॉय बिल्कुल। वैसे इसकी पर्सनालिटी भी ऐसी है बिल्कुल लड़कों की तरह। गली में घुस रहती है, गली के बच्चों के पास, इससे अंदर नहीं बैठा जाता। ओए नोना नोना, इसको अंदर नहीं आना होता, बस वहीं बैठना है। और कोमल को तो बहुत पहचानती है, वो देख वहां देख, कोमल इसे घुमाती रहती है ना। वो देख, नोना वहां देख, नोना आजा आजा बाबू, नहीं आएगा मम्मा आप घुमाती हो कोमल की तरह, जो मैं आपके पास आऊं। कोमल पूरा दिन गली में घुमाती है, गली का कोई बच्चा उसी के पास चली जाती है, उनके साथ खेलती रहती है। ठीक है करिए, आया हूँ मैं बच्चे की। गए थे मैं और मम्मी, निकल गए थे दिवाली की शॉपिंग के लिए। मैंने आपको वहाँ पे शूट ही नहीं कर पाई, बता ही नहीं पाई। और गाइस आपको स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं, मेरे ही स्कूल के बच्चे हैं। मेरे ही स्कूल के सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं ये लोग। और अभी हम यहाँ से लड़ियाँ ले रहे हैं और चांदनी चौक जाएंगे। पहले बुलेट खड़ी करेंगे पुनीत के घर पर, क्योंकि ना चांदनी चौक में बहुत 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 ज़्यादा रश है, और चांदनी चौक में बहुत मस्त मार्केट है। क्योंकि पुनीत भी वहाँ से सामान लेने गया था, फिर आज मिट्टू भी वहीं से सामान लेने गई। मैंने उसको बताया वहाँ बहुत सस्ता है, तो हम भी वहीं जाएंगे। पर यहाँ पे मेरे को दो अच्छी मिल गई, तो मैं यहाँ से ले ली पहले। पुनीत का घर पीछे है और बाइक लगा दी है पुनीत की गली में उधर, और अब हम तीनों जाएंगे ऑटो से, क्योंकि चांदनी चौक में इतना रश है, बाइक वाइक स्कूटियाँ गाड़ी खड़ी करने का बिल्कुल रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग भी चांदनी चौक शॉपिंग करने जाए तो बेस्ट रहेगा ऑटो से जाए, वरना बाइक की स्कूटियाँ तो उठ भी रही हैं लोगों की। अब वो श्रृंगार करके आएगा ना तो लेट आएगा, पूरा मेकअप करके आया होगा तभी इतनी देर में आया। ऑटो ना जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप लोग जाएं, पहले मैंने बोला था तो ऑटो से जाएं, पर अब जाएं तो मेट्रो से जाएं, क्योंकि ना तो बाइक स्कूटी जा रही। आपकी वीडियो बहुत देखकर आप देख ही लिया, थैंक यू। तो गाइस अगर आप लोग जाएं तो मेट्रो से जाएं, हम भी मेट्रो से जा रहे हैं। और ये आंटी अभी ये दीदी गई हैं, पता नहीं कौन थे, पर वो वीडियोस देखते हैं उसके लिए थैंक यू। वो एकदम चले गए यार, मैं कहा एकदम आए और बोल के चले गए, वो भी कैमरा ऑन ही था। तो अब हम जा रहे हैं रिक्शे से, पहले मेट्रो जाएंगे विधानसभा, विधानसभा से मेट्रो लेके चांदनी चौक, फिर सामान लेके वापस। बहुत स्ट्रगल है सामान लेने के लिए भी। नहीं तेरे को रास्ता नहीं पता था ना, इधर इतना घूमा ये गए जी से, रास्ता ही नहीं पता था। एक घंटे में लाल किला पहुंच गया। तो गाइस अब हम आ गए हैं चांदनी चौक मेट्रो में। मेट्रो में कितनी देर कौन सी बार बैठा था, दूसरी बार, मतलब मैं अभी दूसरी तीसरी बार बैठी हूँ मेट्रो में। हम कभी नहीं जाते, मैं हमें आता ही नहीं मेट्रो में जाना, कैसे आ रही। चलो चलो गेट खुलने वाले हैं, चलो 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 छुट्टी। ओए लाइट कहाँ है लाइट, अच्छा ये मैंने मेट्रो में इससे निकलने में कितना डर लगता है, खुद भी डरते हो मेरे को बता रहे हो। गाइस अभी ना हम बस मेट्रो से उतरे हैं, इसकी भूख लग गई, गोल गप्पे खाऊंगी। पानी कभी ठंडा है, हवाई में लगी पड़ी है। गाइस बहुत रश है यहाँ पे, ऑटो ऐसी नहीं आ रहा। हम आ गए हैं चांदनी चौक, ऑटो ऑटो तो ना कब तक। हाँ और गाइज मेट्रो स्टेशन पे अंकल ने ना मेरी वीडियो डिलीट करा दी, पर मैंने डिलीट करी उसके बाद रिसेंट डिलीट में से फिर रिकवर कर ली।
कह रहे हैं मैडम ये क्या कर रहे हो। गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम इतने दिन में मेट्रो में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं कि मेट्रो में वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो गाइस निशी का वजन तोल रही है आज, कितना होगा भाई? 70 ले, 1 किलो बढ़ेगा तेरा फ्लैट पे जाते ही। 69 70 किलो, 1 किलो फ्लैट पे बढ़ेगा तेरा जाके। देखते हैं कितना है। 75 मम्मी तेरे से बढ़िया तो मैं ही हूँ, तेरे से भी कट्टा हो रही हूँ। अब ये भी करेगा मेरे बराबर है पुनीत। आ गए हैं चांदनी चौक लाइट की मार्केट में, मतलब चांदनी चौक तो आ गए, चांदनी चौक में जो लाइट की मार्केट है वो है भारतीय स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ वाली गली में। आपको ये लाइटें तो दिखती रही होंगी दूर से ही। देखो लोग थालियां भर भर के सामान ले जा रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ अभी रश, देखो पहले पीछे अभी रिक्शा लग जाता है तुम्हारे। गाइस अभी दिखाऊंगी मैं आपको। देखो भाई कैसे लेंगे सामान, वही लग रही चांदनी चौक गाड़ी। गाइस वहाँ पे वीडियो भी बन रही है कैमरा में, वो देखो बीच में चल रही हूँ। पुनीत मेरे आगे है, ये मेरे पीछे है और मैं बीच में शूटिंग हो रही है। कैमरा में देख उधर, शूटिंग हो रही है, शूटिंग नहीं देखने दे रहे यार। गाइस यहाँ पे गाइस वहाँ पे शूटिंग हो रही थी मीडिया वालों की, इन्होंने मुझे देखने नहीं दी, मैं भी आ जाती टीवी में पागल से करने बुलावा रहे ना। गाइस हमने चांदनी चौक की फेमस कुल्फी खा रहे हैं। मैंने मैंगो लिया बिल्कुल, सबसे खराब मेरे पे आ गई। गाइस हमने कुछ नहीं लिया, खाली दो लाइट लिया, उसी में हम घर जा रहे हैं। वो मेला देखा अभी तक लगा हुआ है गाइस, देखो मुश्किल से हमें ऑटो मिला है। 30 रुपए का हुक्का लिया हमने। इसमें ना ऊपर बीड़ी या सिगरेट लगा के पीते हैं ये ना, हम तो ना बीड़ी पीते ना सिगरेट, पर फिर भी लिया, घर वालों को देंगे। पापा ऐसे पी रहे हैं, पुराने एक्टर ने पी रहे हैं। मेरे पापा बहुत कम सिगरेट पीते हैं वैसे, पर हम कहेंगे इसमें पियो, जब भी पियो इसमें पियो, रोज पियो। या मैं पानी इसमें पानी भरेंगे और हम सिगरेट लगाएंगे। जो बोर आता है तो बैको वो पानी में जाएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ स्मोक आएगा। फिल्टर हो गया है, फिल्टर हो गया है। तो एक पम्मी का एक एक जिसका है उसका बता नहीं सकते। गन लाए हैं कितने की, 150 की दो, एक पम्मी ले गए, एक लड्डू के लिए और एक ये रही मेरे पास। देखो मैं आपको चला के दिखाती हूँ, अभी इतना क्या डर, पागल मुझे तिल्ली लगती है। क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे पूरे मॉल लेके बच्चे मुझसे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हो? ये लो, ओए बड़ी तेज आवाज है गन की, ओए मेरे व्लॉग में कहीं वो ना आ जाए, वो ना आ जाए कॉपीराइट। बाकी गन चला रही है लड़की, ये नहीं पता 150 की बंदूक है। हवाई फायरिंग करूंगा हर जगह, पोटास दीदी रुक मैं पोटास वाली नहीं यार, पिछले साल तो मेरी वो वीडियो वायरल हो गई थी, पर अब बनाई ना तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा। फायरिंग भाई की शादी है। हां तू तो लो लिया भाई, चलो हो गया, अब गुस्सा हो गया बेचारा ही खेला। अभी तो आ गया, मैंने पुनीत से मोमोज मंगवाए थे क्योंकि मैं तो जल्दी आ गई थी, दो चार ही खाऊंगी मोमोज, देखते रोन लग गई। ले लो तुम पूरा ही खा लो ना। डाइटिंग पेनिश 75 से 69 हो गया था, अब 1 किलो फिर बढ़ गया, अभी 70 बता रही थी, तो 1 किलो बढ़ गया ना, अब 69 था, फ्लैट पे गई फिर बाहर का खाया बढ़ गया। डाइटिंग 70 से 69 किया था वो वहां पे, उधर देखो डाइट चल रही है, उधर खा रहा थे फ्लैट पे, और पम्मी के ना 50 के होने वाले हैं यूट्यूब पे, तो पम्मी जिम चला गया आते ही। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब घर भर साफ करके, लाइट तो ये लगी हुई थी यहीं पे, तो यहीं पे मैंने केक ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था कि छोटा सा, जैसे अब मैं अकेले पुनीत गुन्नू कोई है नहीं, वो लोग अभी सभी दिवाली के चलते बिजी है, वरना उनसे सामान मंगा लेती, कुछ करा लेती, तो दो चार चॉकलेट वगैरह पड़ी है उन्हीं से मैं थोड़ा सा करके उसी के चैनल पे मतलब अपने ही फ़ोन में उसका व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर बाद में उसके चैनल से ही एडिट कर दूंगी, एयर ड्रॉप दे दूंगी उसके फ़ोन में,
और मतलब उसका व्लॉग भी नहीं बना, उसका व्लॉग भी बन जाएगा और वो सरप्राइज भी हो जाएगा। तो फिर चलो अब मैं ये सफाई वगैरह कर लूँ, फिर आप मम्मी के व्लॉग में देखना कि मैंने क्या किया। तो गाइस प्रेरणा बना रही है हलवा, मम्मी के 50,000 होने की खुशी में, मेरे 50,000 हो गए उसकी खुशी में प्रेरणा हलवा बना रही है, चून वाला आटे का और उसमें पानी गर्म चुन्नी बोल रही है, चौसनी बना रही है। तो निशी लव यू, मेरे को लव यू क्यों बोल रहे हो यार, तेरा भी तो सपोर्ट है, जनता का तो है ही है, तेरा भी तो सपोर्ट है, थैंक यू। मांगते हो वही बहुत है, मिल जाए तो थैंक यू। तो गाइस देखो किसी भी हलवा बनाना हो तो प्रेरणा तो सीख सकता है, प्रेरणा बता सकती है, पहले भी वाले पहले व्लॉग में बता रखा दिख गया तेना हलवा था ना। चलो गाइस तो आज खाएंगे हलवा, केक नहीं कटेगा मम्मी का, कोई नहीं यार तू तो प्यार से हलवा, तू प्यार तो एक गिलास पानी भी दे देगी ना, वो भी बहुत है मेरे को। हाँ लो पियाजी पियाजी प्यार से आदमी है, प्यार से ही है बस प्यार, ठीक है प्यार से तू कुछ भी जहर भी पिया देगी ना। 2 किलो प्यार दे रही हूँ 14 प्रो मैक्स लिया प्यार से, तो मैंने कर तो रखा है बाबू बुक अभी प्यार से, पैसों से नहीं प्यार से। अच्छा और घी खत्म होने वाला प्यार से। इसकी गाई जैसी बात रहे वे। चलो गाइस तो हलवा बन जाता है, फिर तो आपको दिखाते हैं, मिलते थोड़ी देर में, जय बाबा। बाहर बैठे हुए हैं इस टाइम, यहाँ पे यही केक मिला था और ये लाइट लगी हुई रूम में, बस मैं कुछ डेकोरेट नहीं कर पाई, यही पुरानी डेकोरेशन है क्योंकि ये चीज़ पर एकदम पता नहीं होती ना 50 के एकदम से हुए। तो मैंने अभी अभी आटे का हलवा जो अभी पम्मी ने दिखाया आपको कि मैं बना रही थी, पम्मी बाहर ही बैठा हुआ है तो उसको पूरा पता होगा कि मैं केक तो लाऊंगी, तो अभी मैं उसको अंदर लेके आती हूँ, रुको। और बाकी इसके बाद का जो व्लॉग रहेगा वो आपको पम्मी के फ़ोन में ही, मतलब पम्मी के व्लॉग में दिखेगा। प्रेरणा ने हलवा बना लिया और हमने केक भी कट कर लिया है, और गाइस अब रोटी बना ली है प्रेरणा, चोर मोड़ रही है और सब्जी बना ली है, आलू की सब्जी। पता है मैं क्या बना रही हूँ, आपने कभी नहीं खाई होगी, कहा पर मैंने बचपन में खाई है, अच्छी लगे मुझे पता है, जीरे में छौंक के आलू की सब्जी है ना, जो बिहार साइड के है ना इस सब्जी के बारे में नहीं पता होगा, जो बिहार साइड के है ना वो ही बना सकते हैं ये सब्जी ना, हमारे बचपन में गली में एक आंटी थी वो बिहार से थी, तो मैंने उनके हाथ की सब्जी खाई थी, वैसी ना मैं कभी बना पाई। टमाटर तो गिरा ना तेने में, अरे यार बिहार के जो लोग होते हैं ना वो इसको पता नहीं भुजिया या आलू भुजी कुछ कहते हैं, पतले पतले आलू काट के एकदम करारी सी बनती है, इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ हल्दी नमक जीरा और आलू बस, मतलब एकदम ना भुजिया टाइप होती है, मतलब भुजिया बोलते हैं इसे यार, जो बिहार का होगा ना उसी को इसका रियल फ्लेवर बनाना आता आएगा और अच्छा बनाएगा, उसी के हाथ में स्वाद आएगा, ये वहाँ बिहार के लोग ज्यादा खाते हैं। तो गाइस जो भी वहाँ का साइड का मतलब कि उस साइड का हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि पहले भुजिया बना दो यार। अरे बचपन में खाई थी मेरी आंटी थी हमारी गली में, सरिता आंटी वो बनाती थी अपने बेटे को स्कूल के लंच के लिए, तो कई बार हम खाते थे। और गाइस समय हो रहा है 12 बज रहे हैं ना, मैंने मेरी बहुत तगड़ा प्रैंक करा सुबह को मेरे इंस्टाग्राम पे रील गिरेगी और अपने यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। गाइस मैं गिर लूंगी, हां मेहनत तो मेरी है सारी डली, मैं हूँ बम मेरे बूटा सही, इन्होंने बम फोड़ दिया मेरे पीछे एकदम, ऐसा उछल के पड़ी जैसे ऊना जैसे गाय ने उछल के पड़े तो बात भी इतनी सुनी तुमने, कोई बात ना, बात गाइस बात जो भी इसने मुझसे कही है वो तुम्हें कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके गाइस तो चलो गाइस अब रोटी वोटी बना लेते हैं, फिर बना लेते हैं या बनाने देता हूँ इसे, अब बना लेते हैं बना लेते हैं तो वाले आदमी ना बन गया। और यदि वो सब्जी मेरे से जैसी बनी मैंने बनाई, बहुत करारे मैंने आलू करे और बहुत टेस्टी लग रही है ना मम्मी, मैं तो अपना कल का घी खाऊंगी गाइस, बिल्कुल आप लोग सोचते होंगे ना एक दिन पूरा पुरानी सब्जी खा लेते हैं, पर सभी खाते हैं ना, मेरे घर में तो सब खाते हैं गाइस, मैं भी खाती हूँ ये भी, मेरी मम्मी भी, सब लोग। अब हम लोग उठ गए, मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, आज मेरा नंबर है चाय बनाने का, नंबर है नहीं इनका है पर इन्होंने मुझे दे दिया, और ये वीडियो ऑन करते ही आती है ये, और अब चाय पी के मैं करूँगी सफाई, उसके बाद पम्मी लड़ियाँ लगवाएंगे है ना मम्मी, पम्मी लड़ियाँ लगवाएंगे मेरी यार, और देखना गाइस हम अंदर अंदर ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ सोसाइटी में कौन बाहर लगाता है, हमारे तो मतलब बाहर वही एक वही है नेट, नेट उस पर क्या लड़ी लगाएंगे,
इसलिए हम अंदर ही लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कैसे डेकोरेट कर रहे हैं। पर पहले मैं चाय पराठे बना लूं, फिर दिखा दो। तेने तो लड़ी लगाई है, आपने हम दोनों ने लगाई है। तो यहाँ पे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी कोशिश करके जैसे तैसे तैसे करके लगा दी। बाहर भी लगाई है, ये भी लगाई है, मंदिर पे रह रही है, मंदिर की रह रही है, मंदिर की भी लगाएंगे अपना नहा धो के शाम को ही। और गाइस यहाँ पे ना दीवारें मतलब ईट वो नहीं है, ईटों वाली डायरेक्ट सीमेंट की दीवारें खड़ी होती है ना, वो ड्रिल मशीन ही चलेगी इनमें। तो यहाँ पे ना कीड़े फोटो फ्रेम लगा देते हैं। और गाइस प्रेरणा सफाई कर रही है, तो मैं बुलाऊं क्यों फोटो लगवाने के लिए? ड्रिल कैसे करके जाएंगे वो? अबे नहीं 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 ठीक है। अबे नहीं ठुकेगी नहीं सी, वो कील भी तो बड़ी ठुकेगी, छोटी कील नहीं ठुकेगी इसमें। है बड़ी पागल है यार तू नहीं सी। चलो अभी वॉशिंग मशीन में पानी भरो वरना पाइप लाके दो। गाइस यूं पाइप पकड़ के खड़ा होना पड़ता ना, पाइप लाके नहीं ना। मैं तेरी गेल तेरी वो करूंगा, हेल्प करूंगा। अच्छा दी तुमने, हेल्प करूंगा पक्का। और गाइस एक ये ली, ये देखो गाइस। एक तो पता है क्या है, हमने जल्दी जल्दी के चक्कर में शिफ्ट कराना होता है कि दीवार भी गंदी हो रही है। और नहीं वो तो बोल रहे थे कि हफ्ता 10 दिन लगेंगे करवाने में से सफेदी, फिर हमारे पास टाइम नहीं था, फिर हमने ऐसी मौका कोई नहीं, हम ऐसी सामान रख लेंगे। क्या हो गया फोन को भी? हाँ तो भाई झाड़ू पोछा हो गया, किचन साफ होगी, बस हिट डाला है मैंने, कॉकरोच हो रहे हैं ना इसलिए उनके लिए। और लड़िया भी मैंने आपको दिखाई नहीं है क्या लगाई है, एक हमने लगाई है वहाँ बाहर। और अब पम्मी के बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, जबकि पम्मी के जितने गंदे थे वो सारे लिए हैं। तो ये रे है लग रही है वहाँ, मशीन लग रही है, ये लग गई कपड़े धो लिए। यहाँ ये रे महाराज महाराज विष्णु विश्राम कर रहे हैं, विष्णु की डाल लेट के। और गाइस मैं इनसे कह रही हूँ यहाँ पे फोटोज लगवा दो, लगवा नहीं रहे ना तो फ्रेम लगवा रहे। बस अब मंदिर को करूँगी मैं शाम को डेकोरेट उसको शाम को करूँगी। और अभी और कुछ सामान लाना है, और हमने बाहर भी कुछ लगाया है, आपको दिखाती हूँ अभी जाके। यार यहाँ पे ना पता नहीं कैसे लोग रहते हैं सोसाइटी में ना, कि सबके दरवाजे सुने यार, गांव में मोहल्लों में कैसे लोग सजाते हैं ना। नहीं भाई ना नहीं, तो यहाँ पे हमने लगाया है एक ये इधर, एक ये उधर, और यहाँ पे सात्या उधर भी ये ना। चिपक कैसे लेगा मेरा एक ऊपर, और यहाँ पे अभी शुभ दीपावली ला के लगाऊंगी यहाँ पे ऊपर, अभी लाई नहीं अभी ला के लगाएंगे। और अब मैं कपड़े धो लूँगा। आज तो ना मतलब 2 बजने वाले हैं, और पूरा दिन हमारा इन कामों में ही चला गया। मतलब बीच में से निकल गई ना, ये देखो भाई ये जो बीच में से निकल गई है ना यहाँ से, अच्छी नहीं लग रही मेरी, इसलिए दिख रही है। तो भाई मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, और कपड़े धुल रहे हैं, खाना भी नहीं बना अभी तक बाहर। ये यहाँ पे एसी था ना, ये एसी हटा के यहाँ पे पर्दे लगाए हैं, एसी अंदर कर दिया, अब अंदर स्टोर एक्स्ट्रा रूम जो है ना उसके वाली बालकनी में रख दिया, एसी का तो अब काम है नहीं। बस अब यहीं पे मैं व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग के साथ, क्योंकि अब कपड़े धो रही हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत सारा काम है, खाना बनाना है। अब ऐसी दिवाली की सफाई, दिवाली पे यार मतलब इतनी सफाई क्यों करते हैं लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्यों इतनी सफाई करते हैं, क्यों सब करते हैं, इसलिए मुझे भी करनी पड़ रही है, इसलिए सबको देख के मैं भी कर रही हूँ। तो चलो अभी वाले ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।